अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि वेरिएबल जो है वो क्या होता है। सो, जो वेरिएबल होता है वो एक नेम मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल होता है हमारी कंप्यूटर की, जो मेमोरी होती है रैम उसके अंदर। जो हम वेरिएबल बनाते हैं उसको हम इसलिए बनाते हैं कि उसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम के अंदर डेटा होता है हम उसके अंदर उसको सेव करते हैं, या फिर जो हमारे पास जो डेटा होता है इनपुट जो हम यूज़र से लेते हैं, या फिर हम अपने प्रोग्राम को कोई डेटा प्रोवाइड करते हैं उसका जो कंप्यूटेशन रिजल्ट होता है वो भी हम फिर वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव करते हैं। सो, डिफरेंट तरह का डेटा हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो एज आ इनपुट लेते हैं, देन उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो, वेरिएबल के अंदर जो डेटा होता है वो हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल का नाम होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल्स होते हैं ये रैम के अंदर जो है वो क्रिएट होते हैं। सो, आप जानते हैं कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल से मतलब ये होता है कि जब तक जो पावर है वो ऑन रहेगी या जो डेटा होगा वो टेम्परेरीली रैम के अंदर जो है वो स्टोर होता है। जैसे अगर हम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है तो जो डेटा प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन के बाद, वो डेटा जो होता है वो रैम से एकदम से जो है वो डिलीट हो जाता है। ये एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल की। ये एक मेमोरी लोकेशन है हमारे प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल, जो मेमोरी लोकेशन होती है वो कुछ इस तरह के सेल होते हैं, एंड देन उनका एक डिफरेंट एड्रेस होता है। ये एड्रेस जो है ये जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये जो कंपाइलर होता है वो खुद ही एलोकेट जो है वो करता है। तो वेरिएबल के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है उसका हम नाम रखते हैं। जो नाम होता है वो जो हमारी मेमोरी लोकेशन जो रिज़र्व होती है कंप्यूटर की रैम के अंदर उसको इंडिकेट करता है। मतलब हम नाम यूज़ करके हम वेरिएबल के अंदर जो है वो डेटा स्टोर करवाते हैं या फिर उसको अपने कंप्यूटेशन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है वो क्या होता है। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, जब हम अपना जो वेरिएबल को एक डेटा टाइप देते हैं और उसका नाम रखते हैं उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। हम प्रोग्राम के अंदर जितने हमें वेरिएबल चाहिए हम उतने वेरिएबल जो है अपने प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। जितने भी वेरिएबल अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं हमें सबसे पहले उन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है, देन हम उनको अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। हम वेरिएबल जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हम तो उसको जब यूज़ करते हैं तो हम पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल है उसको यूज़ करते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल हमने वैसे ऊपर नाम किसी चीज़ का लिख लिया अपने प्रोग्राम के अंदर एंड हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो हमें एरर देता है कि आपने इस नाम को कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेटा टाइप इंडिकेट करते हैं। डेटा टाइप ये बताती है कि हमने इस वेरिएबल के अंदर जो है वो किस तरह का डेटा जो है वो स्टोर करवाना है, एंड देन उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल का जो नाम है वो रखते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर एंड उसका नाम है मार्क्स। मतलब ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो अपने अंदर जो है वो स्टोर करेगा। हम इसके अंदर किसी और दूसरी डेटा टाइप का अगर हम डेटा स्टोर करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। एंड देन उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो है फ्लोट। इसके अंदर हम फ्लोट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं उसका डेटा हम इसके अंदर सेव करते हैं, देन कैरेक्टर एंड देन उसके बाद डबल। डबल जो होता है वो भी फ्लोट की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है फ्लोट से। अब हम देखते हैं कि रूल्स क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। जो वेरिएबल होता है उसका जो नाम हम रखते हैं वो फर्स्ट कैरेक्टर जो उसका होता है वो कोई वेरिएबल होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने एक वेरिएबल बनाना है मार्क्स के नाम से, तो उसका हम सबसे पहले जो नाम रखेंगे वो वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं जैसे 1 marks तो फिर हमें इस तरह जो है वो एरर मिलेगा कि हम इस तरह जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर ये नंबर हम फॉर एग्जांपल m1 इस तरह करके लिखे तो ये वाला जो सिनेरियो है ये ठीक होगा। इस तरह से हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो फिर हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर लगा के उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल का जो नाम है वो रख सकते हैं। वेरिएबल के अंदर लेटर्स भी होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, या फिर अंडरस्कोर जो है वो होना चाहिए। हम लेटर्स भी रख सकते हैं, नंबर हम लेटर
मिक्स साथ जो है वो रख सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, या फिर हमने दरमियान में वेरिएबल के अंडरस्कोर लगाना है तो हम वैसे भी वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो अलाउ नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है माय वार, तो इस तरह से हम जो वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हमने एक लाइन के अंदर एक डेटा टाइप के ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इस तरह से हम लिख के दरमियान में हम कोमा लगाएंगे, यहाँ शुरू में डेटा टाइप लिखेंगे तो ये हमारे दो वेरिएबल जो है वो बन जाएंगे। इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन में अपर केस लेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस लेटर जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड जो होते हैं, जैसे सी प्लस प्लस के अंदर बहुत सारे रिजर्व वर्ड हैं, जैसे सी आउट, सी इन, इस तरह के जो इफ़ एल्स जो नाम है वो हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ये एग्जांपल है जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन की मार्क्स, तो ये एक जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया हुआ, एंड देन ग्रेड टेस्ट एफ नेम एंड देन इंटीजर। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, हम उसको एक वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। तो वैल्यू जब हम असाइन करते हैं तो उसके लिए हम इक्वल टू का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। वेरिएबल का जो नाम होता है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, एंड नाम जब हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं एंड देन उसके बाद इक्वल्स का साइन, एंड देन यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू जो है वो इसके अंदर इनिशलाइज करवानी है तो वो हम इसके राइट साइड पर लिखते हैं। तो जो यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व की होती है उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके ये वाला डेटा जो है वो सेव हो जाता है। इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं एंड देन उसके बाद आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम एंड देन इक्वल्स का साइन, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एंड देन उसके बाद जो वैल्यू हमने इसके अंदर जो है वो स्टोर करवानी है वेरिएबल की वो हम यहाँ राइट साइड के ऊपर जो है वो लिखते हैं। ये कुछ वैलिड एग्जांपल हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एंड उसके अंदर 100 स्टोर करवाया, इसी तरह कैरेक्टर सीएच। तो इस तरह से जो है वो हम वेरिएबल को जो है वो इनिशियलाइज करते हैं। एंड देन आज की वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।